आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली। हद भूल गए थे अपना, मुझे क्या पता था कि, मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ डिफरेंट कर रहे, तभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना। लेकिन हम अपना हद भूल गए थे, ये बिहार है बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है। ये बिहार है, यहाँ लड़कियों को काम करना गुनाह है, काम तो सिर्फ लड़कों के लिए ही बना है। पटना में कुछ महीने पहले विमेंस कॉलेज के पास ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल लगाया था, खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद यहां से उन्होंने अपने स्टॉल को शिफ्ट कर लिया और बोरिंग रोड चली गई, फिर अन्य जगह भी स्टॉल खोला। बीच में कुछ दिनों पहले पटना नगर निगम ने उनके ठेले को भी हटा दिया था, जिसके बाद वे लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गई थी। और फिर ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने काम ही बंद करने का फैसला कर लिया है। प्रियंका गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नगर निगम पर गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि नगर निगम ने जानबूझकर उनके ठेले को ही हटा दिया है। प्रियंका गुप्ता बोरिंग रोड में जहां ठेला लगाती थी, वहां से अचानक उनका ठेला गायब हो गया है। वहां बस दो डब्बा बचा है जिसमें शायद चाय का कप या कचरा डाला जाता है। वीडियो में उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया है। वीडियो में प्रियंका ने कहा कि जब मुझे लगा कि नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ ठेला लगा सकते हैं, तो फिर बार बार मेरा स्टॉल क्यों उठा लिया जाता है। हम हार मान गए हैं सिस्टम से, जिन जिन ने हम लोगों को फ्रेंचाइजी बुक किया है, हम उनको पैसा वापस करने जा रहे हैं, कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू नगर निगम। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली। हद भूल गए थे अपना, मुझे क्या पता था कि, मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ डिफरेंट कर रहे, तभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना। लेकिन हम अपना हद भूल गए थे, ये बिहार है बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है। होना भी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। यहाँ पटना में बहुत सारा कांड लगता है, बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत काम होता है पटना में, शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहां सिस्टम एक्टिव नहीं होता। लेकिन कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, को बार बार परेशान किया जाता है, बार बार। हद भूल गए थे ना हम अपना, मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना, बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। जब मुझे नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम वहां कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं कार्ड, तो बार बार मेरा कार्ड बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे उठा लिया जाता है वहां से। हम हार मान गए सिस्टम के सामने। मैंने जिन जिन से फ्रेंचाइजी में, जिन जिन लोगों ने मेरा फ्रेंचाइजी बुक किया है, हम उनको उनके पैसे वापस करने जा रहे हैं, कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू नगर निगम, थैंक यू बिहार के सिस्टम, आप लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि लड़की हो घर में रहो, बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, बिहार है ये। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखे खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।